Realme P1 एक लौता सा फोन है जो 15,000 रुपीस प्राइस सेगमेंट में AMOLED डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेकर आता है और तो अब इसमें BGMI जैसा गेम 60fps में स्मूथली खेल सकते हो। क्या सही में ये फोन 15,000 रुपीस में बेस्ट है? इस फोन में जो AMOLED डिस्प्ले है, क्या इसमें आप अच्छी तरीके से वीडियो देख सकते हो? फोन में जो पावरफुल चिपसेट मिलता है वो Realme ने कितने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है? इसमें जो कैमरा है, क्या सही में अच्छा फोटो क्लिक कर लेता है? ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोन की प्राइस के बारे में। फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस है 16,000 रुपीस, फ्लिपकार्ट में मिलता है। ऑफर्स में ये आपको 15,000 रुपीस में मिल जाएगा। और अच्छी बात तो है, फोन की बॉक्स में सब कुछ मिलता है, चार्जर से लेकर टीक्यू केस तक, क्योंकि फोन को आप अनबॉक्स करके सीधा यूज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मैं 30 दिनों से इस फोन को यूज कर रहा हूँ, अभी तक इसकी बॉडी में एक भी क्रैशेस नहीं आया है। हालांकि इसका फ्रेम और बैक पैनल जो है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, लेकिन इसके बैक पैनल में मैट फिनिशिंग है। इसके वजह से फोन हाथों से स्लिप नहीं करता है, इन हैंड फील्ड भी अच्छा है। बाकी इसका वेट देखो यार, सिर्फ 190 ग्राम का आता है। इसमें जो पॉलीकार्बोनेट यूज किया है वो अच्छा वाला पॉलीकार्बोनेट है, इसलिए इतने दिनों से यूज कर रहा हूँ, एक भी क्रैशेस यहाँ पर नहीं आया है। बाकी इसके डिस्प्ले में कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन है वो रियलमी वालों ने मेंशन नहीं किया है। अगर अभी फोन खरीदते हो तो डिस्प्ले में टेम्पर्ड ग्लास को लगा लेना यार, बाहर से डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेगा। इस फोन में IP54 का रेटिंग है और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसका स्पीड भाई इतना फास्ट नहीं है, कभी कभार अटक जाता है। इसके डिस्प्ले में सेंटर कंसोल है, बेजल और चेन भी छोटा रखा है। AMOLED पैनल मिल जाता है तो आप मूवी और वीडियो इस फोन में अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कलर जो आता है ना, वो थोड़ा सा ओवर सैचुरेट रहता है, क्योंकि Realme ने सस्ते में AMOLED डिस्प्ले दे रहा है, तो कलर ट्यूनिंग को और थोड़ा बेहतरीन करना चाहिए था। इसका जो डिस्प्ले है थोड़ा सा ज्यादा फ्लिकरिंग करता है, अच्छी बात है। आप YouTube पर 4K में HDR वीडियो देख सकते हो, लेकिन 4K वीडियो थोड़ा सा अटक अटक के चलता है। तो YouTube में स्मूथ वीडियो देखना चाहते हो, 2K में या फुल HD में वीडियो को देखना यार अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। आउटडोर में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। डुअल स्टूडियो स्पीकर भी है, साउंड क्वालिटी यहाँ पर जबरदस्त मिल जाता है। लेकिन एक चीज याद में रखना, फुल वॉल्यूम में इसका जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेट करता है। यहाँ पर ड्यूल माइक भी है जो नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसलिंग कर लेता है। एक ट्रूली 5G फोन है, 9 बैंड 5G के साथ आता है। अगर आप इस फोन में चुपके से कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से ओ डायलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अच्छी बात है, इस फोन में आप SD कार्ड को भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। इतने दिन तक इस फोन को यूज करने के बाद मुझे लगता है यार, Realme वालों को सॉफ्टवेयर में और थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि Realme P1 आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ और यहाँ पर Realme का लेटेस्ट UI है। Realme ने प्रॉमिस किया इस फोन में 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट देगा। देखो भाई, जब आप ये फोन खरीदते हो पहले पहले आपको थोड़ा बहुत एड्स दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा था तो यहाँ पर एक एड्स आ गया। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, उसको कर लेना यार, इसके बाद एड्स जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्री इंस्टॉल ऐप आता है बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत पुश नोटिफिकेशन भी आता है, हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स भी है। आपको थोड़ा टाइम देकर ये सारी चीज को डिसेबल करना होगा, उसके बाद UI एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद में रखना भाई, ऐप ओपन ऐप क्लोज में यहाँ पर एनिमेशन नहीं मिलता है, जो Realme वालों को देना चाहिए था भाई इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ऐप ओपन ऐप क्लोज एनिमेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन इसकी UI में अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाता है। एक यूजर को डे टू लाइफ यूज में जो सारे फीचर्स की जरूरत है सब कुछ यहाँ पर है। इसकी बैटरी बैकअप लेकर बहुत सारी शिकायत आ रहा है यूजर से, मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, बहुत सारे कॉमेंट आ रहा है इसका जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं मिल रहा है। तो असली सच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, इसको खरीदने के बाद मैंने डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, जिसमें मल्टीपल एप्स को मैंने यूज किया था। स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप मुझे 6 hours 37 minutes के आसपास में मिल रहा था। लेकिन एक महीने यूज करने के बाद सचमुच दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप में बहुत ज्यादा फर्क मिला है, क्योंकि इसका जो बैटरी है ना वो जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाता है। मैं इसको थोड़ा हेवी में यूज करता हूँ तो हाल फिलहाल में स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप मुझे 5 hours के आसपास में मिल रहा है।
लेकिन अच्छी बात है फोन जल्दी जल्दी चार्ज हो जाता है और चार्जिंग के दौरान फोन ज्यादा हीट भी नहीं होता है। वेल एक लौता सा फोन है जो 15,000 रुपीस में Dimensity 7050 चिपसेट के साथ आता है और तो इसमें LPDDR4X की रैम है और EOS 3.1 की स्टोरेज टैब है। डे टू लाइफ यूज में फोन कभी भी हैंग नहीं करता यार, अगर आप सेम टाइम में मल्टीपल एप्स में काम करते हो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका जो अंतुतु स्कोर आया है 5,36,000 प्लस और इसमें आप बीजी में जैसा गेम 60 एफपीएस में खेल सकते हो। इसमें सिर्फ नाम का 60 एफपीएस का सपोर्ट नहीं है, आप बीजी में गेम में हर एक मैप में अच्छी तरीके से स्मूथली 60 एफपीएस में खेल सकते हो और गेम खेलने के दौरान यहाँ पर हीटिंग इशू भी नहीं आता है। ओवरऑल अगर आप गेमिंग के लिए इस फोन को खरीदना चाहते हो तो इसको आप आग बंद करके ले सकते हो भाई, मजा आएगा गेम खेल के। और एक चीज में मजा आता है भाई, इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। वेल इस फोन के पीछे में ड्यूल कैमरा सेटअप, प्राइमरी जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल और यहाँ पर जो सेकेंडरी सेंसर है वो डेप्थ सेंसर है। इस फोन के पीछे में वॉइस और अल्ट्रावाइड सेंसर देना चाहिए था और इसका जो सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल। अच्छी बात है इसके बैक कैमरा से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 4K वीडियो स्टेबल में रिकॉर्ड नहीं करता है। अगर आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको फुल एचडी में वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। देखो भाई फोटो सैंपल के मामले में बताओ तो ये फोन हर एक लाइटिंग सिचुएशन में अच्छा फोटो क्लिक करके देता है। पहला आप कुछ पेड़ पौधा का फोटो देख लीजिए, यहाँ पर कलर बहुत ही प्यार सा निकल कर आता है और फोटो में डिटेलिंग अच्छा मिल जाता है। आपको तो रियलमी का आदत पता है, फेस को गोरा कर देता है और स्किन को सॉफ्ट कर देता है। देख लो बैक कैमरा में या फिर फेस में डिटेलिंग तो अच्छा आता है, लेकिन सेल्फी कैमरा में डिटेलिंग इतना अच्छा नहीं आता है। बैक कैमरा से जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे या फिर SD डिटेक्शन को कभी कभार ये फोन इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप देख लो हेयर लाइन के आसपास में और बॉडी के आसपास में SD डिटेक्शन को मैनेज नहीं कर पाता है। कंक्लूशन की बात किया जाए तो अभी के टाइम में 15,000 रुपीस में इस Realme P1 में जो फीचर्स मिल रहा है, जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है वो बढ़िया है भाई। अगर आप एक गेमर हो तो आप आंख बंद करके इसको खरीद सकते हो, अगर आप मेरी तरह ज्यादा मूवी और वीडियो देखते हो तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट होगा भाई। इसका जो कैमरा है प्राइस के हिसाब से मुझे इतना खास नहीं लगा है, बाकी इसका बैटरी बैकअप 5,000 रुपीस के हिसाब से थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। और तो Realme को जल्दी से अपडेट देना चाहिए, वॉइस में थोड़ी बहुत बग्स है इसको फिक्स्ड करना चाहिए। एक कुछ दिक्कत है भाई इस फोन में जिसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा और अभी के टाइम में 15,000 रुपीस में बढ़िया फोन है, आप जरूर इस फोन को खरीद सकते हो। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है इस Realme P1 के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।